Huh? Huh? कोई काम है नहीं आपको? ठेला खड़ा है बाहर सब्जी का, जाके सब्जी बेचाओ। सब्जी बेचाओ? पूरे देश में हाहाकार मच गई है, पर तू सब्जी की बात कर रही है रोशना। पूरे देश में तो लॉकडाउन होगा बड़ा। सब्जी सब्जी, ऐसे में मैं चला जाऊंगा सब्जी बेचने के लिए रोशना। पुलिस कितने डंडे मारेगी, क्या मुर्गा बना देगी। ओफो, तुम्हारे लिए लॉकडाउन नहीं चल रहा है, तुम्हारे समझ में नहीं आता क्या? 10 बजे तक तुम अपना काम ठीक तरीके से करके आ सकते हो। सब्जी की दुकानें, राशन की, सब चीज की सुबह 10 बजे तक है, तो तुम जाओ और अपनी सब्जी बेच कर आओ। ऐसे तो लोग बाग भूखे मर जाएंगे। ठीक है रुखसाना, कोई दिक्कत नहीं है 10 बजे तक। कोई भी दिक्कत नहीं है, जाओ चले जाओ। सब्जी ले, सब्जी ले, आलू ले, गोभी ले, भिंडी ले, टमाटर ले, मूली ले, चुकंदर ले, सब्जी ले, सब्जी ले। बस एक जी सब्जी किस भाव दी है गोभी? भाई जान गोभी 10 रुपए किलो है। बस एक जी 5 रुपए किलो तो सब्जी बिक रही। 5 रुपए किलो? फ्री का माल है, ले जा फ्री में। फ्री में दूंगा धनिया। धनिया दोगे? हाँ। तोल दो फिर 1 किलो। अरे शेख जी लूटने को निकले हो, आधे किलो को बांटा है, 1 किलो बता रहे हो। भाई जान ये 1 किलो का ही है। अरे तुम्हारे नाम की शर्म गिरत है ना कुछ? भाई 1 किलो का ही है। 1 किलो का? और ये लौकी किस भाव दी है? लौकी 10 रुपए की आधा किलो। तोल दो। ठीक है भाई जान, 20 रुपए का आधा किलो है, इसे भी तोल। 10 बजे की क्या क्या भेजा था पता नहीं, आए नहीं अभी तक। थक गई बैठे बैठे, किससे सर मारूं मैं। 10 बजे का बोला था, 2 बजा दिया, आया नहीं। ये बंदा पता नहीं कहाँ लग गए होंगे, इनका कुछ पता नहीं है। आ गए? आ तो गया। अरे क्या देख रही है हम अपने बड़े प्यार से? नो 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 नो। सब ठीक है ना? ठीक है। इतनी देर कैसे लगी आने में? पर जरा बताओ, सब्जी बेचते बेचते लगी ना था, तुझे होगा। मुझे लगा पुलिस वालों ने डंडे बजा दिए तुम्हें। डंडे भंडे तो कुछ ना बजाए, मिल गए पर क्या लगे? सेठ जी इतना टाइम कैसे हो गया? मैं कहा सर जी टाइम तो हो ही जावे, गरीब आदमी है, डरते डरते निकल रहे हैं, पूरे नाके डर के मारे एक एक करके आ रहे हैं। कह लगे ठीक है, लेट मत होना, आज तो मैं छोड़ देता रहा, लेकिन कल को मुर्गा बना दे। मैं कहा बाबू जी छोड़ दो, आज के अलावा लेट नहीं होगा। आ गया ठीक है। अच्छा ठीक है, अब बैठ जाओ यहाँ पर। ठीक है बैठा। अच्छा ऐसा करो, अब पैसे दे दो मुझे जो कमा के लेके आए हो, आटा मंगाना है। ले रुखसाना आज की कमाई। इतने कम पैसे? बस तुम्हें पता है रुखसाना, एक तो लॉकडाउन चल रहा है पूरे शहर में, इस चक्कर में आदमी निकल नहीं रहा डर के मारे। सिर्फ एक आदमी निकलता सब्जी लिया और सब्जी ली पूरी खोल। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने पैसे बचा लिए? तुम भी कम हराम खोर नहीं हो, हमेशा पैसे बचाते, मुझे पता है। ये पैसे मेरे, निकल लो यहाँ से, जाओ चले जाओ। लॉकडाउन हो गया, मैं भी डाउन हो गई। 4-5 दिन का मैं धंधा परेशान हो चुकी हूँ, 20 दिन का काम है तुम्हारा, ये फोन डाउन नहीं हो रहा अभी तक। अब ऐसा करो बहुत खेलने के लिए, झाड़ू लगाओ जाके जाओ घर में। हमने बहुत काम कर लिया, अब तुम करो घर में काम, जाओ निकलो। भाई ये काम मर्दों का है, हराम खोर। अरे जाते का अपना हो जाओ। लॉकडाउन हो गया तो मुझे भी डाउन करता छोड़ा ही दिखे। मोदी जी ये क्या कर दिया आपने, लॉकडाउन कराया, पतियों को डाउन कराया। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है। लग गई झाड़ू, इतनी देर हो गई, छोड़ो इसे, चलो अंदर चलो दूसरा काम करो। बैठो, आटा गूंथ लो लंच में, भला हो
खोल दे। मोदी जी तुमने क्या करवा दिया ये तो बता दो, ये लॉकडाउन करा या पतियों को डॉन कराए? राम खोन नहीं करेगी, घर में रहोगे तो खाना खाओगे मिलके, मैं भी पकाऊंगी तुम भी पकाओगे, पकवा रही है राम खोन मुझसे। खुद तो मोबाइल में लगी रहे, मैं राम खोन मुझसे कह रही मोबाइल में लगी रहा, मोबाइल में लगी रहा। आटा गूंद दिया, पका के देगी। हाँ पका रही होगी। माने की थोड़ी ना होलकनी, पूरा ही डॉन करके छोड़ो भी मुझे अभी। पुलिस के डंडों से तो बढ़िया घर में हाथ हटाता हूँ बीवी का। सुनो इधर आओ। रुक्साना दूरी बना के रखो थोड़ी सी। धुल गए बर्तन? ठीक है, अब हमारे दोस्तों को बता दो कि घर में हमारा टाइम कितना अच्छा पास हो रहा है। हाँ भाइयों बहनों, जैसे हमने दोनों मियाँ बीवियों ने मिलके घर में एक दूसरे का हाथ बटाया, जो 21 दिन कब कट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मेरी तुमसे भी गुजारिश है कि घर में मोहब्बत के साथ में मियाँ बीवियों के काम में दोनों मिलके हाथ बटाओ और इस काम को अंजाम दो। जैसे हमारे मोदी जी कह रहे नहीं कि 21 दिन तक घर में रहना है और हमें देश को बचाना है, तो हमें अपने घर में रहकर देश को बचाना। घर में रहेंगे ठीक है, बोल मत बोलना, कभी गुस्से में आदमी बाहर चला गया तो हमेशा की लॉकडाउन हो जाए तुम्हारी जिंदगी का। ठीक कह रही है रुक्साना, भाईजान इसकी बातों पर जरूर ध्यान देना। ठीक है बाय। और मिलवाट के घर का काम करते रहो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और शेयर तो जरूरी कर देना।